आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान जो है प्रथम चतुर्थांश में, यानी 0 से 90 अंश तक जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री जो है, इसका मान जो है कैसे याद रखते हैं या कैसे जो निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की कुल संख्या 6 है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इनको त्रिकोणमितीय निष्पत्ति यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कहते हैं। और इनके बीच कुछ रिलेशन होता है। साइन थीटा और कॉसेक थीटा में जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/ कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/ सेक थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू 1/ कॉट थीटा, यानी टैन थीटा जो होता है साइन थीटा / कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/ साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/ कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/ टैन थीटा या कॉस थीटा / साइन थीटा। तो एक सिर्फ हम सबको देख, हमको साइन थीटा की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम है, तो उसी की सहायता से हम लोग जो है सभी वैल्यू को देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखते हैं। साइन 0 अंश का मान होता है 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 होता है और साइन 90 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। अब आप उस कास की वैल्यू लिखना है, तो कास की लिखने के लिए आप जो है क्या करिए, इसको पलट करके लिख दीजिए, यानी यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए, यहाँ पर √3/2 लिख दीजिए, यहाँ पर 1/√2 और यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0, यानी कास 0 की वैल्यू 1 होगी, कास 30 की वैल्यू 3/2, कास 45 की 1/√2, कास 60 की 1/2, कास 90 की 0 और टैन थीटा की वैल्यू निकालना है तो आप साइन की वैल्यू को कास से भाग कर दीजिए, क्योंकि साइन थीटा / कास थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा होता है। तो साइन 0 की वैल्यू होगी टैन 0 की जो वैल्यू होगी साइन 0 / जो कास 0, यानी 0 / 1 आप करेंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा। 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आपको √3 मिल जाएगा सर, यानी 2/2 से कैंसिल होगा, 1 को 0 से आप डिवाइड करेंगे तो ये जो आप परिभाषित मान जो है मिलेगा इनफाइनाइट। अब cot की वैल्यू लिखते हैं, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/ tan थीटा, यानी इसका उल्टा कीजिए, 0 का उल्टा 1/0 और 1/0 किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट रिजल्ट आता है। और इसी तरह से इसका यानी 1/√3 करेंगे तो आपको √3 मिल जाएगा, इसका उल्टा 1/√3 का 1/√3 हो जाएगा और इनफाइनाइट का जो है 1/∞ करेंगे तो किसी नंबर को इनफाइनाइट से, 1 को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए sec 0 की वैल्यू निकालना है, तो cos 0 की वैल्यू का उल्टा कर दीजिए, यानी sec 0 जो होगा ना ऐसे देखिए लिखते, sec 0 इज इक्वल टू 1/cos 0 या 1/cos 0 का मान 1 है, 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा, यानी sec 0 की वैल्यू 1, sec 30 की वैल्यू लिखना है 1/cos 30, 1/ करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, यानी 2/√3 और इसी तरह से यहाँ पर जो है sec 45 का करेंगे तो 1/cos 45 हो, यानी आपको सिर्फ √2 मिलेगा। और फिर इसके बाद ये जब sec जो है 60 की वैल्यू निकालेंगे तो 1/cos 60 यानी 1/1/2 हुआ तो आपको सिर्फ 2 मिल जाएगा। और फिर इसके बाद जो sec जो है 90 आप निकालेंगे तो 1/cos 90, 1/cos 90 का मतलब 1/cos 90 वैल्यू 0, 1/0 का मतलब क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी आपको क्या मिलेगा इनफाइनाइट। और cosec जो 0 की वैल्यू क्या होगी 1/sin 0 और 1/sin 0 का मतलब 0, 1/0 क्या होगा आपका इनफाइनाइट होगा। और इसी तरह से यहाँ पर cosec जो 30 की वैल्यू इसका आप अपोजिट कर दीजिए, यानी न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है इनको चेंज कर दीजिए, डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर को नीचे कर दीजिए, यानी 2/1 का मतलब 2, यहाँ 2/3 को ऊपर 1 को नीचे करेंगे यानी 2 ही मिलेगा, यहाँ पर 2 को ऊपर 2/3 को नीचे यानी 2/√3 और यहाँ 1 को 1/1 करेंगे आपको 1 ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स जो है ये वीडियो आपको उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।